सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। बाराबंकी जिले का इतिहास काफी प्राचीन इतिहास रहा है। जानकारों के मुताबिक यह जिला पहले दरियाबाद के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी हुकूमत के समय इस जिले का नाम बदला गया। जानकारों के अनुसार भगवान बारह का जन्म यहीं हुआ था और उन्हीं के नाम से बारह वन जंगल कभी हुआ करता था और उसी बारह भगवान और बारह वन के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी यह जिला क्रांतिकारियों का अड्डा कहा जाता था। राजा बलभद्र सिंह चहलारी ने इसी विधानसभा के ओबरी के जंगल में अंग्रेजों से लोहा लिया था। लखनऊ की बेगम हजरत महल का भरोसा भी यहीं के युवा क्रांतिकारियों पर था। जिस तरह से पूरे देश में बारह ज्योतिर्लिंग है, ठीक उसी प्रकार बाराबंकी जिला भी बारह नामी शिव मंदिरों से घिरा हुआ है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की दरगाह, देवा और महाभारतकालीन शिव मंदिर लोधेश्वर महादेव महादेवा यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की विरासत संभाल रहा है। बाराबंकी विधानसभा जो कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पूर्व नवाबगंज विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। बाराबंकी सदर विधानसभा में जातिगत प्रभाव। बाराबंकी सदर विधानसभा पूर्व में नवाबगंज विधानसभा आरंभ से ही समाजवादियों का गढ़ रहा है। कारण यहाँ पिछड़ी जातियों की बहुलता का होना कह सकते हैं। पिछड़ी जातियों में यादव और फिर उसके बाद कुर्मी जाति के कंधे पर चढ़कर ही समाजवाद का डंका यहाँ एक आधे अपवादों को छोड़कर लगातार बजता रहा है। इस विधानसभा में मुसलमान मतदाता भी निर्णायक साबित होता रहा है। अगड़ी जातियां यहां हैं तो जरूर, मगर बगैर पिछड़ी जातियों को जोड़े उनकी राजनैतिक मंशा पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए यहां के जनप्रतिनिधि हमेशा से पिछड़ी जातियों से ही होते आए हैं। बाराबंकी विधानसभा में जातिगत आंकड़े 1, यादव 18% 2, कुर्मी 17% 3, मौर्य 2% 4, ब्राह्मण 10% 5, क्षत्रिय 9% 6, कायस्थ 4% 7, लोधी मलहा 8% 8, मुस्लिम 30% 9, अन्य 2% 12। बंकी सदर का राजनैतिक इतिहास। इस विधानसभा में हमेशा से समाजवादियों की ही राजनीति फली फूली है। अगर दूसरे दल के लोगों ने बाजी मारी भी है तो वे भी पिछड़ी जातियों के जनप्रतिनिधियों के सहारे ही। इस विधानसभा का एक रोचक इतिहास यह भी रहा है कि पूरे देश में लगभग नकारी जा चुकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहां लगातार कई वर्षों तक अपनी जड़ें जमा कर रखी। कदावर कुर्मी नेता के रूप में चर्चित स्वर्गीय रामचंद्र बख्श सिंह लगातार 3 बार कम्युनिस्ट के लाल झंडे को यहां फहराया। इस विधानसभा ने समाजवादियों का साथ तब भी नहीं छोड़ा जब 90 के दशक में राम के रथ पर सवार भाजपा ने पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया था। बसपा ने भी यहां 2 बार जीत दर्ज की है, मगर वे भी अपने एक कद्दावर कुर्मी नेता संग्राम सिंह वर्मा को आगे रखकर। मगर इन सभी दलों को अगर किसी विचारधारा ने बार बार पटखनी देने का काम किया है तो वे समाजवाद की विचारधारा ही रही है। बाराबंकी की समस्याएं। बाराबंकी विधानसभा में किसानों और मजदूरों की सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा कारखाने लगे हुए हैं। ज्यादातर मिलों के बंद हो जाने और कई मिलों के बंदी कगार पर आ जाने से यहां के मजदूरों के परिवार भुखमरी कगार पर आ गए हैं, जो जिले की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। गन्ना जो यहां के किसानों को कभी मालामाल कर दिया करता था, आज यहां की शुगर मिल बंद हो जाने के कारण किसानों ने गन्ने की खेती को तिलांजलि दे दी है। जनपद का मुख्यालय होने के कारण सबसे ज्यादा व्यापारी यहीं पर निवास करते हैं और आए दिन व्यापारियों के साथ होती लूटपाट उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। राजधानी लखनऊ के सबसे करीब होने के कारण यहां की जमीनें सोने के भाव बिकती है। यहां के किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं की सबसे ज्यादा नजर रहती है। भोले भाले किसानों से जमीन की ठगी के मामले यहां की बड़ी समस्या बनी हुई है। पहले इस विधानसभा का नाम नवाबगंज विधानसभा था। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए नए परिसीमन में इस विधानसभा का नाम नवाबगंज से बदलकर जनपद के नाम पर अर्थात बाराबंकी सदर सीट रख दिया गया। समाजवादी पार्टी के धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव इस बदली हुई विधानसभा के पहले विधायक निर्वाचित हुए। जनता ने विधायक द्वारा चुनाव के समय जनता से किए वादों को भूल जाने का आरोप लगाया और जनता के मुताबिक विधायक सिर्फ अपने और अपने कुनबे के फायदे के लिए काम करते रहे। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। विधायक ने कहा, सभी वादे हुए पूरे। विधायक धर्मराज यादव, सुरेश यादव,